सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाएंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला है आप कितनों से अच्छा वीडियो क्यों बना ले, टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छा क्यों डालें। अगर आपको आपका थंबनेल अच्छा नहीं रहता आपकी वीडियो पर कोई क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपका कोई यूनिक थंबनेल रहता है तो कोई पब्लिक अगर आपके वीडियो से आने से पहले वो आपका थंबनेल देखेंगे, ऐसा थंबनेल में क्या चीज़ लिखा है वो वीडियो में ये चीज़ बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाया था। आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने छोटे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस ले ताकि यूट्यूब से ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए यहाँ से मैं पिक्सल ऐप को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, सिंपली आकर एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। चलिए इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँ। ओपन करने आपको कैंसिल पर क्लिक कर देना है। अब इसको यहाँ पर डिलीट का आइकन पर क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर तीन बूंदी पर जाना, आपको यहाँ पर साइज इमेज पर क्लिक करना, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करना, ओके पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे साइड में देखें यहाँ पे एक यहाँ पे इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे कलर पे क्लिक करना, आपको कलर पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे सिंपल कलर दिया और डबल कलर दिया होगा आपको। चलिए मैं यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर लिया हूँ, देखिए नीचे में यहाँ पर। अब मैं इसको देखिए ये कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना। मैं इसको यहाँ देखिए ऐसे मैं इसको राइट लेफ़्ट ले लेता हूँ। उसको यहाँ पे देखें इतना मैं इसको ब्लैक रख देता हूँ, यहाँ पे इतना मैं वाइट यहाँ पे इसको रख देता हूँ, इतना मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे इस पे जाना है, अब इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पर सर्च ले रहा। अब यहाँ पर मैं देखिए ये शाहजहाँ का मैं यहाँ पे पिक ले लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा यहाँ पे छोटा साइज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको देखिए मैं इतने पे इसको फिट कर देता हूँ यहाँ पे। अब चलिए मैं इस पर थोड़ा यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं शेडो यहाँ पे दे देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक कर देखे ब्लैक वाला, वाइट भी यहाँ पर दे सकते। देखिए मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ मैं यहाँ पर इसका। अब देखिए 15 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। अब मेरा यहाँ पे फिट हो गया। अब यहाँ पे हमको कुछ लिखना है। यहाँ पे देखिए मैं इस पर चल जाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट पे चल जाता हूँ, एडिट पे चल जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, इस पर टेक्स्ट लिखूँगा मैं, इसके बारे में शाहजहाँ के बारे में लिखने वाला हूँ। चलिए मैं लिखता हूँ, शाहजहाँ मैंने लिख दिया। अब इसको ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करना, देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा आना है, यहाँ पे फ्रंट पे जाना, फ्रंट पे जाना आपको यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना कौन सा स्टाइल में इसको रखना चाहते हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक ओके के क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा इसको साइज इसका आपको बड़ा कर लेना है, जितना साइज आप इसका रखना चाहते हैं। देखिए मैं 120 साइज यहाँ पर रख दिया हूँ मैं, चलिए इसको कुछ ज़्यादा भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 123 साइज में कर दिया। तो यहाँ पे इतना पे मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। अब ये हो गया। अब चलिए और मैं यहाँ पे टैक्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। ओके क्लिक करने बाद आपको देखा अभी फ्रंट पे जाना, आपको यहाँ पे स्टाइलिंग चूज़ कर लेना कौन सा स्टाइल में रखना चाहते हैं। बहुत सारा स्टाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं इसका साइज़ को यहाँ पर चलिए बड़ा कर देता हूँ। चलिए मैं इसका साइज यहाँ पे इतना रख देता हूँ। आपको यहाँ पे कलर चूज़ कर लेना, कलर पे जाना, जो कलर रखना चाहिए वो कलर आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना। ओके पे क्लिक कर देना। ये भी देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया। अब देखो और भी बात यहाँ पे चीज़ में और लिखा, टेक्स्ट पे जाना है, एडिट पे जाना और जो कुछ लिखना चाहिए वो चीज़ आपको यहाँ पर टाइप करना। अब मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने बाद आपको देखिए आपको फ्रंट पे जाना, स्टाइलिंग चूज़ करना, ओके पे क्लिक करना। हमें कलर पे जाना, जो कलर रखना चाहिए वो कलर आपको चूज़ करना। यहाँ पे आपको साइज पे क्लिक करना, इसका साइज आपको जितना रखना चाहते हो वो साइज आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए ये मैंने ओके पे क्लिक करना। अब देखिए ये मेरा थंबनेल बन चुका है, थंबनेल बन चुका। अब चलिए मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इस पर जाना आपको यहाँ पर सेव ए इमेज पर क्लिक करना। अब यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक करना। अब देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर सेव हो चुका है, एरर आना यहाँ पे आपको कट कर देना है।
चलिए मैं बैक यहाँ पे आ जाता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा बन चुका है एक थंबनेल।